खबर बलिया जनपद से। जनसरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गढ़िया निवासी सुजीत कुमार सिंह ने डीएस कॉन्वेंट स्कूल हिता का पूरा रशा के प्रबंधक राजेश सिंह व ई रिक्शा ड्राइवर फिरोज पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे दो पुत्र रुद्र प्रताप सिंह 8 वर्ष तथा सूर्य प्रताप सिंह 6 वर्ष जो नर्सरी में राजेश सिंह प्रबंधक के विद्यालय डीएस कॉन्वेंट स्कूल हिता का पूरा सरसा में पढ़ते हैं। दिनांक 1/10/2022 को समय करीब 12:50 मेरा छोटा बेटा सूर्य प्रताप सिंह ने स्कूल में पैंट में ही शौच कर दिया था। प्रबंधक द्वारा स्कूल में दाई का प्रबंध नहीं किया गया, जिससे बच्चे के शौच को साफ नहीं कराया गया, बल्कि दोनों पुत्रों को गाली देकर मारे। इसके बाद ई रिक्शा से लटका कर घर भेज दिए। जिस दौरान बीच रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग गढ़िया के पास ड्राइवर फिरोज ने घोर लापरवाही से गाड़ी अनियंत्रित कर दिया, जिससे मेरा बच्चा सूर्य प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरने के बाद उसी ने ई रिक्शा का पहिया बाएं ऊपर चढ़ा दिया, जिससे पैर के जांघ की हड्डी टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद ड्राइवर ने बच्चे को बीच रास्ते में छोड़ भाग निकला। राहगीरों द्वारा मुझे जानकारी मिली तो बच्चे को रष्टा हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पलिया के लिए रेफर कर दिया गया। घटना स्कूल प्रबंधक और ड्राइवर की घोर लापरवाही से हुई है। वहीं पुलिस सुजीत कुमार सिंह की तहरीर पर स्कूल के प्रबंधक राजेश सिंह व ई रिक्शा के ड्राइवर फिरोज के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं स्कूल के प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि स्कूल में बच्चे ने शौच कर दिया था, जिसको दाई ने साफ न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मम्मी मम्मी की रट लगा रखी थी और दाई से साफ नहीं करवा रहा था, जिस कारण बच्चे को ई रिक्शा से घर भेजा गया। रास्ते में पता नहीं कैसे बच्चा गिर गया और घायल हो गया। घायल होने के बाद हमने तो टीचरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था, जहां पता चला बच्चा बलिया रेफर हो गया है। बलिया जिला अस्पताल में खुद गया, उसके बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर भी मैं बच्चे का हाल चाल लेने गया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही, लेकिन परिवार के लोगों ने मना कर दिया और मुझ पर गलत आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधक और वहां के अध्यापक ने और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं डीएस पब्लिक कन्वेंट स्कूल में पढ़ाता हूं। सर, पिछले दिनों आपके स्कूल के बच्चे के साथ एक दुर्घटना हो गई है, क्या पूरा मामला क्या है इसमें? लास्ट घंटी सर 2-4 मिनट बजने वाली थी, अभी उसमें शेष बाकी था, उसमें इसका जो है लैट्रिन लग गया था, तो लैट्रिन जो है पॉइंट में कर दिया और उसके बाद मैंने जो है दाई को बुलाया, दाई आई साफ कराने के लिए, तो वो जो है वो अपना पकड़ लिया पॉइंट, उनको कह रहा था कि नहीं कि हमारी मम्मी धोएंगी, मैं इनसे नहीं धुलवाऊँगा। ये ऐसी घटना एक बार और पहले भी कर चुका था, उस बार भी नहीं धुलवाया। सर, आपने उसके परिजन को सूचना दी क्या? हमने सर बड़े सर जी से अपने कहा, बड़े सर जी भी आकर प्रयास किए, लेकिन तो भी जो है लड़का नहीं जीत पर अपने अड़ा रहा, तो उसके बाद जो है उसको गाड़ी में बैठा कर भेज दिया गया। अब उसके बाद कैसे क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। अपना एक परिचय बताएं। जी, हमारा नाम सुजीत कुमार सिंह है और हम गढ़िया के रसड़ा बहारी के निवासी हैं। आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई है जो आपने तहरीर दिया है? जी, हमारा बच्चा गया था विद्यालय और वहाँ से वो 12:30 बजे लैट्रिन कर दिया है और विद्यालय ने ना उसकी लैट्रिन की साफ सफाई और ना हमको कोई सूचना, और बच्चे को उसी तरह से ई रिक्शे में लटका करके खड़ा करा करके भेजा, जो रलगढ़िया रेलवे क्रॉसिंग पे बच्चा हमारा गिर जाता है और उसी वही ई रिक्शा उसके जंघे पे चढ़ जाता है। भगवान ना जाने किस तरह से वो ई रिक्शा चढ़ा है या चढ़ाया गया है जानबूझ के, वो हमें इसके बारे में नहीं पता है और ना वो रिक्शे वाले ने उठाया है वहाँ से कि हमारे बच्चे को लेके घर भी छोड़ा है दूसरे वाले बच्चे को और यहाँ पे बताया भी नहीं है। इसमें विद्यालय की घोर लापरवाही है और हमारा बच्चे का जंघा पूरा टूट चुका है और उसमें ऑपरेशन वगैरह राड वगैरह सब पड़ा हुआ है। क्या मानते हैं कि स्कूल प्रशासन द्वारा किस तरह की लापरवाही की गई है जिससे हादसा हुआ है? हम ये मानते हैं कि अगर हमारे बच्चे का शौच साफ हो गया होता और उसे हमें बुलाकर हमें सौंप दिया गया होता तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ई रिक्शे के ड्राइवर द्वारा उसे खड़ा न किया गया होता तो ये घटना हमारे साथ नहीं होती। क्या मांग करेंगे प्रशासन को? आपने पत्रक के माध्यम से अवगत कराया, क्या मांग कर रहे हैं? जी, हमारी मांग ये है कि बच्चे के साथ एकदम न्याय हो, क्योंकि अब तो उसका जीवन जो होना है वो तो हो चुका है और इसमें विद्यालय प्रबंधक द्वारा ना हमारे पास कोई सहानुभूति नहीं है।
एक परिचय बता दें आप। जी राजेश कुमार। किस विद्यालय के प्रबंधक हैं आप? पिछले दिन सर आपके विद्यालय के एक बच्चे के साथ घटना घटित हुई थी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है सर, क्या पूरा मामला क्या है? जी सर, ऐसा है कि बच्चा लैट्रिन किया था विद्यालय में 12 बजे। दाई से हमने कहा कि उसको धो दीजिए, तो बच्चा रोने लगा सर, धुलवाना नहीं चाहता, बार बार माँ माँ कह रहा था, मम्मी मम्मी कह रहा था, वो एकदम जिद कर गया सर, पांच को अपने पकड़ लिया, धुलवाने की बात तो बहुत रोने लगा सर। उसके बाद हम टेम्पू से उसको घर भिजवाए, टेम्पू द्वारा घर गया, और रास्ते में क्या हुई सर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। बच्चों के परिजनों द्वारा आरोप लगा रहा था कि विद्यालय प्रशासन की काफ़ी लापरवाही हुई है जिस वजह से यह घटना घटित हो चुकी है। नहीं सर, ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई थी, हम उसके सहानुभूति के लिए सर यहाँ से हम अपने दो अध्यापकों को हॉस्पिटल भेजे, हॉस्पिटल में पता चला कि सर वो बच्चा चला गया बलिया, फिर हम सर बलिया गए, उसके बाद पता चला कि बच्चा ट्रामा सेंटर चला गया, फिर हम आर्थिक मदद के लिए ट्रामा सेंटर गए, लेकिन सर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, बदले में मेरे ऊपर FIR कराए। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे फीस तो काफ़ी लेते हैं लेकिन दाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सर एक घटना आपको ये भी बता देते हैं कि जब एक बार ऐसा ही हुआ था, उनका लड़का लैट्रिन कर दिया था और मैंने उनको 20 साल किया, और सर वो फीस मेरे यहाँ आज तक अप्रैल से पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन मात्र 2000 रुपया जमा किए हैं, और जब भी फ़ोन करते थे तो वो ये समझते थे कि फीस के लिए हमें बुलाया जा रहा था, बुलाया जा रहा है, और वो फ़ोन रिसीव नहीं करते थे सर। ऐसे में अगर बच्चे की कोई घटना हो जाती है और अभिभावक फ़ोन नहीं उठाता है इस डर से कि हमसे फीस मांगा जाएगा, तो उनको भी ऐसा किया गया था सर। आज तक उनकी फ़ीस 2000 रुपये ही जमा है, जबकि बच्चा अप्रैल से ही पढ़ रहा है, और हम फ़ोन किए उन्होंने फ़ोन को उठाया नहीं, उनको लगा कि फिर फीस के लिए हमको बुलाया जा रहा है। और जब वो एडमिशन कराने आए तो हमारे साथ बहुत सहानुभूति थी, हमको भैया भैया कहते थे कि भैया आप ही का लड़का है, आप ही का लड़का है। आज जब ऐसी घटना घट गई सर तो मेरे ऊपर FIR कराए, ये कहाँ तक। पूरी घटना को आप क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं आप पूरी घटना को? सर ये एक अनहोनी मानते हैं कि ऐसा